गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 3 द कीबोर्ड ये आज हम करेंगे। कीबोर्ड होता है, आपको पता है आप लोगों को, कंप्यूटर होता है। आप लोगों की स्कूल ओपन नहीं हुई तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर ही प्रैक्टिकली मैं आपको सिखा नहीं पाई हूँ, लेकिन देखिए कंप्यूटर होता है, आपको पता है उसमें एक कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड से हम लिख सकते हैं लेटर, फिर कुछ भी हमें लिखना हो तो हम कीबोर्ड से लिख सकते हैं। तो चलिए आज हम सीखेंगे ये कीबोर्ड। यहाँ पे देखिए ये आपको कीबोर्ड दिख रहा है, हाँ, इसमें कीबोर्ड में यहाँ सबसे पहले ये जो होती है ना, ये क्यू, ये लाइन होती है ना, यहाँ से ये है ना, उसे हम कहते हैं कीबोर्ड में, इसे कहते हैं लेटर कीज। क्या कहते हैं? लेटर कीज। एक तो ये जो सारी यहाँ पे आपको ये पूरा ये दिख रहा है ना, उसे ये सारी कीज कहते हैं। तो मतलब जो ये कीबोर्ड होता है तो उसको की मतलब छोटी छोटी ये सारी कीज हैं, तो ये की का एक बोर्ड है, तो इसे हम कहेंगे कीबोर्ड। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैंने आपको जैसे दिखाया कि ये यहाँ पे ये सारी ये है लेटर कीज हैं, फिर ये है ना, ये 1 2 3 4 5 आपके पास कंप्यूटर की बुक है उसके फर्स्ट पेज नंबर 25 है ना, उसमें देखेंगे ये सारी हैं नंबर कीज हैं, ये सारी क्या है, ये नंबर कीज। फिर यहाँ पे नंबर कीज दूसरी भी है, यहाँ पे भी ये सारी भी नंबर कीज हैं। आप अपने ये जब मैं वीडियो आप ऑन करो तब एक साथ मेरे साथ यहाँ पे कंप्यूटर का कीबोर्ड है वो भी वहाँ पे खोलिएगा तो अच्छे से आपको दिखेगा। फिर कीबोर्ड पे देखिए ये सारे बटन्स हैं, इसे हम की कहते हैं। फिर मैंने आपको यहाँ पे नंबर कीज सिखाई, फिर लेटर कीज, फिर होता है स्पेस बार। अभी हम कभी कभी लिखते हैं तो बीच में हमें स्पेस भी रखनी होती है ना, बीच में जगह, तो यहाँ पे कंप्यूटर में इसे कहते हैं स्पेस बार। क्या कहते हैं? स्पेस बार। फिर हमें लिखते लिखते जैसे आप नोटबुक में लिख रहे हो तो वहाँ पे आपकी लाइन पूरी हो गई तो आप क्या करते हैं, नीचे की लाइन में। तो हम कीबोर्ड में जब हम कंप्यूटर में लिख रहे होते हैं तो हमें नीचे की लाइन में जाना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आएगा एंटर। क्या आएगा? एंटर। तो ये रहा एंटर, तो इसे हम नीचे की लाइन के लिए जाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आपको ये देखिए यहाँ पे ये कीज दिख रही है, इसमें यहाँ पे एक अप एरो है, एक यहाँ पे राइट एरो, लेफ्ट एरो, एक डाउन एरो, तो इसे क्या कहते हैं? कर्सर कीज। क्या कहते हैं? कर्सर की। अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो और लेफ्ट एरो, ऐसे चार एरो हैं और इसे कर्सर की कहते हैं। मतलब हम लोगों ने जैसे कि कभी किसी ने नाम लिख लिया और बीच में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, हमारा ए लिखना बीच में रह गया है, तो हमें क्या करना है, तो हमें ये जो यहाँ से हम ये जो की है ना ये वाली, इससे हम इस साइड जा सकते हैं और जहाँ पे कुछ रह गया है वो ऐड कर सकते हैं। आप लोग मोबाइल में आपकी मम्मी पापा का जो मोबाइल होता है उसमें बहुत बार यूज़ करते हैं ना लिखना, तो आपको डिलीट करना, मिटाना, वो सब आपको अच्छे से आ रहा है। फिर हम जा रहे हैं, ये देखिए मैंने सिखाया आप लोगों को, फिर हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज नंबर है 28 पे जा रहे हैं। यहाँ पे हम देखिए ये मैंने जो आपको सिखाया वो पेज नंबर 25 था, तो ये मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया। फिर ये पेज नंबर है यहाँ पे लेटर कीज, देखिए ये वाली, ये इसे क्या कहते हैं? कीबोर्ड कहते हैं। फिर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ये नंबर कीज हैं और ये मैंने जो बोला वो सारी लेटर कीज हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये स्पेस बार है, यहाँ पे एरो भी किया हुआ है, ये है एंटर और यहाँ पे ये है कर्सर कीज। फिर हम जा रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट लेटर कीज, तो यहाँ पे देखिए ये लेटर कीज क्यू से लेकर पी एल एम एन और ये सारी हैं लेटर कीज। तो ये पेज नंबर है 28, तो हमें अभी आपको लेटर कीज तो पता चल गई है, तो हम पेज नंबर 29 पे क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे पेज नंबर 29 पे यहाँ पे आपको जो वाइट दिख रहा है ना यहाँ पे, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऊपर से देख देख के नीचे लिखना है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सबसे पहले यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे Q था, फिर ऊपर आप पेज नंबर 28 में देख देख के 29 में लिखेंगे, फिर यहाँ पे तो यहाँ पे W है,
फिर यहाँ पे ई है। तो ऐसे ये पूरी लाइन, ये तीन लाइन जहाँ पे वाइट वाइट दिख रहे हैं, वो आपको पेज नंबर 28 से देख देख के आपको 29 में ये नंबर, ये लेटर कीज अच्छे से आपको लिखनी है। फिर है पेज नंबर पे हम जा रहे हैं, फिर हमारा पेज नंबर आ रहा है 30। तो 30 पे भी देखिए, यहाँ पे अब नंबर कीज हैं, क्या है ये सारी नंबर कीज, और नंबर कीज ये रही, ये नंबर कीज है और ये सारी नंबर कीज हैं जब हमें 1 2 3 ऐसे नंबर लिखना होता है। तो ये आप ध्यान से देखेंगे, फिर यहाँ पे आपको पेज नंबर 31 पे यहाँ पे नंबर कीज आपको अच्छे से लिखनी है। जैसे यहाँ पे है 1 2 3 4 5, और इसके साथ जो साइन है तो आप छोटी हैंड राइटिंग करेंगे तो ये साइन भी आ जाएगा। 1 के साथ देखो ऐसा साइन है, फिर 2 के साथ ऐसा @ है, तो ये आप लिखेंगे। और यहाँ पे भी देखिए ये 0, फिर 0 के बाद यहाँ पे 1 2 3, तो ये पेज नंबर 31 आप ऐसे फिनिश करेंगे। फिर हमारा पेज नंबर आ रहा है 32, यहाँ पे देखिए फाइंड द लेटर कीज एंड कलर देम येल्लो। मैं यहाँ से आपको येल्लो कलर ले रही हूँ, ये रहा हमारा येल्लो कलर। तो देखिए यहाँ पे मुझे पहले तो लेटर की ढूंढनी है, तो अब मुझे लेटर की आ गई है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, आप कलर लेंगे और जो जो लेटर की है उसमें आप यहाँ पे सब में येल्लो कलर करेंगे, यहाँ से लेके ये पी तक, फिर यहाँ से ये एल, और यहाँ जेड से लेके एम तक आपको सभी में एक एक में येल्लो कलर करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नीचे फाइंड द नंबर कीज एंड कलर देम पिंक। हमें कौन सा कलर चाहिए अब, पिंक। हमें क्या ढूंढनी है, तो नंबर कीज, तो ये रहा 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये सारी नंबर की। और यहाँ पे भी देखिए 0, फिर ये 1 2, ऐसे करके 9 तक, ये इतनी लाइन है सारी आपको पिंक कलर करना है यहाँ तक। फिर हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज में क्या है, फाइंड द स्पेस बार एंड कलर इट रेड। अब हम लेंगे रेड कलर, तो ये हमने लिया रेड कलर, और रेड कलर किसको, आपको स्पेस बार को, तो ये रहा हमारा स्पेस बार। बस इतना हमें क्या करना है, यहाँ पे रेड कलर करना है, और ये हमारा रेड कलर हो गया अच्छे से। फिर हम नेक्स्ट नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे हम नीचे गए, यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द एंटर की एंड कलर इट ऑरेंज। अब हमें कौन सा कलर चाहिए, तो ये हम ऑरेंज कलर, तो इसमें हम, मेरे इसमें इतना अच्छे से ऑरेंज कलर नहीं है, लेकिन आपके पास ऑरेंज कलर होगा तो आपको किसको, एंटर की को, तो ये रही हमारी एंटर की, यहाँ पे आप करेंगे ऑरेंज कलर, हो गया। तो ये फिर हम नेक्स्ट पेज पे 34 पे जा रहे हैं, 34 पे देखिए आपको क्या करना है, फाइंड द कर्सर की एंड कलर देम ग्रीन। अब हमें कौन सा कलर चाहिए, अब चाहिए हमें ग्रीन कलर, तो ये मैंने ग्रीन कलर लिया, और यहाँ पे देखिए कर्सर की जो डाउन एरो अप एरो है वो, तो ये सारी हैं कर्सर की, डाउन एरो अप एरो राइट एरो और लेफ्ट एरो, तो उसमें कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर करना है। फिर है व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे देखिए आपको पहले तो क्या करना है, अपना नेम लिखना है। जैसे मेरा नाम है संध्या, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी SANDHYA, तो ये मेरा नाम है, और मुझे क्या करना है, ये नाम यहाँ पे ढूंढ के लिखना है। जैसे देखिए मैंने ये मेरा नाम लिखा यहाँ पे, आप खुद का नाम लिखेंगे यहाँ पे, और मेरा यहाँ पे ये नाम में क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ढूंढना है मुझे S, तो S को यहाँ पे आपको कीज़ वो ढूंढनी है आपके नाम की, और वहाँ पे ब्लू कलर करना है। अभी मैं लूँगी यहाँ पे, ये ब्लू कलर लिया मैंने, अभी देखिए मेरा नाम है संध्या, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है पहले, वो आपकी जो लाइन है उसमें लिखना है नाम। फिर यहाँ पे मुझे एस मिला, तो एस में मैं करूँगी ब्लू कलर, फिर ए में ब्लू कलर, फिर एन ढूँढना है मुझे, तो एन ये रहा इसमें मैंने किया कलर ब्लू, फिर डी, तो ये रहा डी, फिर एच, तो ये रहा एच, फिर वाई, तो ये रहा वाई,
फिर से आया ए, तो ए एक बार मैं ना यहाँ पे आ गया है, तो टू टाइम ए तो इसमें नहीं होगा, तो वो मेरा यहाँ पे हो गया। तो आपको ऐसे अपना खुद का नाम लिखना है, और वो यहाँ पे जहाँ जहाँ आपके वो लेटर आ रहे हो नाम के, उसमें आपको ब्लू कलर करना है। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर जो 3 है कंप्यूटर का, वो फिनिश हुआ। इसमें कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।